और इस केस के माध्यम से पॉलिटिशियन कंप्लीट एक्सपोज। जब कभी भी कोई बड़े घराने के राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन ऐसे अय्यासी में ऐसे हत्याओं में जब जुड़ते हैं तो पूरे देश के राजनीतिज्ञ उनकी रक्षा करते हैं। सुशांत हमसे जुड़े हुए थे और जब ये घटना की जानकारी मिली तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि ये मर्डर है और ये आम जन के मन में है कि मर्डर है। वो स्टूडेंट के रूप में भी फिजिक्स के विद्यार्थी थे और कभी भी ऐसे जुनूनी लोगों को आत्महत्या का कभी स्वप्न भी नहीं देख सकता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, चूंकि मैं राजनीति में हूँ, मैं मानता हूँ कि जुडिशियरी से भी ज़्यादा भ्रष्ट करप्ट पॉलिटिकल सेक्टर और कैसे जनता की अदालत में ये महाअदालत आपने शुरू किया है, पॉलिटिशियन को एक्सपोज करना चाहिए और इस केस के माध्यम से पॉलिटिशियन कंप्लीट एक्सपोज होंगे, पॉलिटिशियन कंप्लीट एक्सपोज। आज बहुतायत चरित्रहीन निर्लज्ज और संवेदनहीन लोग राजनीति में जा रहे हैं जिनको सामाजिक सरकार से कोई मतलब नहीं। इसमें बड़े पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, उनकी अय्यासी इन्वॉल्व है और इसीलिए सत्ता के तमाम बड़ी हस्तियां इसको दबाने में, आत्महत्या बनाने में लगी रहे। हम आपके शुक्रगुजार हैं, अंतर पीड़ा थी मेरी और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप जैसे लोग समाज को एक नई ऊर्जा, नया प्रकाश, युवा पीढ़ी को एक नई शक्ति देने के लिए एक अभियान शुरू किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक महीने तक धुआंधार हम लोगों ने आंदोलन चलाया, तब बिहार सरकार की निंद खुली। बिहार का एक उभरता हुआ शानदार व्यक्तित्व जिसे लोगों ने अपने जबड़े में समेट करके, मड़ोर करके मारा। एक महीने के बाद राजीव नगर में उनके पिताजी बैठे हुए थाना में जा रहे थे। जब ये आंदोलन शुरू हुआ बिहार में, तब बिहार सरकार ने FIR दर्ज किया। ये शर्म का विषय है कि एक महीना लगा FIR दर्ज। इसलिए जब कभी भी कोई बड़े घराने के राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन ऐसे अय्यासी में ऐसे हत्याओं में जब जुड़ते हैं तो पूरे देश के राजनीतिज्ञ उनकी रक्षा कर।